हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतीश। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज का ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के दो तीन ऐसे डाउट है जिसके बारे में आप सभी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, परेशान थे कि क्या अपडेट रहेगी और न्यू रोस्टर के अनुसार किस कैटेगरी को यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिल जाएगा, कितने नंबर का फ़ायदा देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कैटेगरी वाइज जो आपने पहले मैंने आप सभी लोग कैटेगरी वाइज नहीं बताया था कोई भी एनालिसिस, इस वीडियो में आप कैटेगरी वाइज बताएं, तो वही आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को सब कुछ ओपनली बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सब लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को जो है कि मिलती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात कर लें जो आप सभी लोगों का 9th का एग्जामिनेशन हुआ है, जिसमें हमने अराउंड 1000 प्लस कैंडिडेट से जो उनके स्कोर पूछे हैं जो कि मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूं, वो उसके बाद मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आप सभी लोगों का पेपर का लेवल कैसा था। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू रोस्टर के अनुसार जो 50% रिजर्वेशन पर आप सभी लोगों का रिजल्ट जारी होने वाला है, उससे किस कैटेगरी को यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है कि हम लोग आगे फर्दर उसके हिसाब से नए कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्कोर के बारे में, तो देखिए ऑलमोस्ट जिन लोगों को लगता है ना कि मेरा स्कोर जो कि 100 नंबर आ रहा है या फिर मेरा स्कोर 105 नंबर आ रहा है, उन्हें लगता है कट ऑफ इतना ही जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आप भूलिए मिलिए उन लोगों से जिन लोगों के स्कोर जो है कि बिलो 80 है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर बिलो 80 देखने को मिला, अबो 80 भी था, किसी का स्कोर 95 था, किसी का स्कोर 101 के आसपास बता रहे थे, ठीक है, कोई अपना स्कोर जो है कि क्या कहते हैं 106 के आसपास बता रहे थे अपना स्कोर, कोई 107 था, कोई 98 था, ऐसे अधिकतर कैंडिडेट के स्कोर देखने को मिले हैं। बट इससे मैटर ये नहीं करता कि आपका पेपर अच्छा गया तो सभी का पेपर अच्छा गया होगा, और हो ये रहा है ना कि अभी दो से चार क्वेश्चन अभी सभी के फंसे हुए हैं, जिसको वो सही मान के चले या फिर गलत मान के चले वो अभी उन्हें ही विश्वास नहीं हो रहा है, या तो वो सही भी हो सकते हैं या फिर गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब तक आप सभी लोगों का यहाँ से आंसर किस नहीं आता, तब तक हम लोग फाइनल एजम्पशन नहीं कर सकते हैं कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। बट एक उन नंबर को हटा दिए, दो चार नंबर को हटा दें, तो जो ऑन एन एवरेज उनका जो स्कोर देखने को मिला है ये 92-95 के बीच में अधिकतर कैंडिडेट का स्कोर मुझे यहाँ पर देखने को मिला है, खासकर यूआर कैटेगरी वालों का मैं बता रहा हूँ, इसी के आसपास ऐसे अधिकतर कैंडिडेट का स्कोर देखने को मिला है। इससे भी ऐसा नहीं कि इतना ही स्कोर था, इससे भी ज़्यादा वाले भी कैंडिडेट थे, बट जो एक एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज इसी के आसपास जो है कि यहाँ पर देखने को मिले मुझे। अगर हम लोग बात करें पेपर के बारे में, देखिए पेपर का जो लेवल जो आप सभी लोगों का मॉडरेट टू टफ लेवल आप सभी लोग उसको बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ईजी था आप सभी लोगों का पेपर, ठीक है। पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि उलझाने वाले थे, जीएस में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हड़बड़ी में गलत हुए हैं, वहाँ पर एक अलग प्रेशर होता है जिसको हम बाहर बैठ करके डिटरमाइन नहीं कर सकते, कोई भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, उस समय एक अलग प्रेशर रहता है, उसको डिटरमाइन करना यानी कि एक बस के बाहर रहती है। जिस कैंडिडेट ने, मैंने खुद ने पेपर दिया, जिस कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके उस पेपर को सॉल्व किया है, उसे पता है पेपर का लेवल क्या था। पेपर के लेवल के अनुसार अगर देखेंगे तो एक एवरेज स्टूडेंट यानी कि जो कम पढ़ रहा है वो एवरेज स्टूडेंट जो है कि अपना स्कोर 89 के आसपास ले जा सकता है उस पेपर के अंदर, और एक जो पढ़ने वाला बच्चा है वो 100 क्वेश्चन के आसपास सही कर सकता है उस पेपर के अनुसार, ठीक है। बाकी जो तो अगर दो चार क्वेश्चन जो गलती हुए हैं अधिकतर कैंडिडेट से, ठीक है, खास करके अगर वो गलती ना हो तो अधिकतर कैंडिडेट ने अपना स्कोर यहाँ से अच्छा खींचा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं न्यू रोस्टर के अनुसार, तो मैं आपको बता दूं जो आप सभी लोगों का जो रोस्टर जारी हुआ था 65% के ऊपर आप सभी लोगों का रोस्टर जारी हुआ था, अब जो जारी हो रहा है रोस्टर आप सभी लोगों का 50% के ऊपर रोस्टर जारी होगा, 50% पर अगर रोस्टर जारी होगा तो यहाँ से आप सभी लोगों को हर एक कैटेगरी में जो है कि सीट का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, खासकर जो कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से आ रहे हैं उन्हें जो है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी लाइक ईडब्ल्यूएस वगैरह, इन लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा नहीं देखने को मिलेगा, और जिस भी कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी में जो है कि अगर क्या कहते हैं सीट बढ़ता है तो यहाँ पर जो है कि आपको कट ऑफ के 1 से 2 नंबर कम होते हुए आप सभी लोगों को दिखेंगे, ठीक है। और आगे हम लोग बात करें पेपर के लेवल के बारे में, पेपर के कंपटीशन कितना था, तो स्क्रीन के ऊपर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा पूरा डाटा, मैंने आप सभी लोगों को शो किया हुआ है जो कि आप सभी लोगों को स्क्रीन के ऊपर विजुअलाइज हो रहा होगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर टोटल जो है कि 54139 टोटल 54139 कैंडिडेट के आसपास ऐसे थे जिनका मतलब एस्टेट क्लियर था बट उन्होंने TRE1 और TRE2 में सिलेक्शन नहीं ले पाए, ठीक है। 54139 में से अगर आप मान लेते हैं कि
50,000 के आसपास भी अगर कैंडिडेट ने एग्जाम दिया होगा, फॉर्म अप्लाई किया होगा, टोटल वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी आप सभी लोगों के स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। अगर आप डिवाइड करते हैं टोटल वैकेंसी से 2030 से, तो एक सीट के ऊपर जो कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा 24 के आसपास आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा एक सीट के ऊपर, ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करें OMR शीट के बारे में, तो आप सभी लोगों का जो OMR शीट है और जो आंसर की है आप सभी लोगों का, ये अभी जो फाइनल मीटिंग होने वाली है, अगली मीटिंग 12 तारीख को आप सभी लोगों की होने वाली है। अगली मीटिंग कब होगी आप सभी लोगों की? अगली मीटिंग आप सभी लोगों की 12 तारीख को होने वाली है। 12 तारीख की मीटिंग होने के बाद जो है कि आप सभी लोगों को पता चलेगा कि जो है कि आगे कब तक जो है कि इसके ऊपर कोई अपडेट आएगा कि नहीं आएगा। इसी के ऊपर जो है कि 12 अगस्त को ही जो है कि इसके ऊपर आंदोलन भी चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग भी शामिल रहेंगे, ठीक है। पटना के BPSC ऑफिस में हम लोग भी वहाँ पर देखते हुए मिलेंगे आपको। हम लोग भी वहाँ पर पहुँचेंगे 12 तारीख के दिन, क्योंकि वहाँ पर महा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि ये लोग ऐसे सुन नहीं रहे हैं। बाकी हम लोग बात करें OMR के बारे में, तो 12 तारीख के आसपास आपको OMR की मीटिंग होगी और उसी के आसपास जो है कि आपको यहाँ पर अपना OMR देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि हाँ, यहाँ पर जो अब कट ऑफ कितना जा सकता है न्यू पैटर्न के अनुसार, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर विजुलाइज हो रहा होगा। अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो सभी का मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है। UR कैटेगरी से हैं तो मैं आपको बता दूँ 100 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब जो लोग मुझे कमेंट करेंगे सर 105 जाएगा, 106 जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डियर। आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा, या तो 98 जा सकता है, ठीक है, या फिर 102 जा सकता है। दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट जो आप बोलिएगा कि 110 120 जाएगा, वैसा कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फीमेल कैटेगरी के बारे में, तो फीमेल कैटेगरी का जो कट ऑफ है UR का 89 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा, EWS का 94 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा, EWS फीमेल का जो है कि 83 नंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा, EBC का 87 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा, EBC फीमेल का जो है कि 79 नंबर के आसपास आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं अगली कैटेगरी आप सभी लोगों की, BC SC और ST। BC का जो कट ऑफ है आप सभी लोगों का, ये जो है कि 96 नंबर के आसपास आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। अगली कैटेगरी आप सभी लोगों की BC फीमेल का जो कट ऑफ है 85 नंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अगली कैटेगरी है SC का जो कट ऑफ है 72 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा। और आगे बात करें SC फीमेल के बारे में, तो इसलिए जो कट ऑफ है 61 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा। ST की बात करें तो ST का जो कट ऑफ है ये 64 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा। ST फीमेल का जो कट ऑफ है वो 58 नंबर के आसपास आप सभी लोगों को देखने में मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आप सभी लोगों को सभी कैटेगरी के बारे में न्यू रोस्टर के अनुसार आप सभी लोग कितना कट ऑफ जा सकता है, उसके बावजूद आप सभी लोगों का पेपर का लेवल कैसा था इस बार, किस किस टेंशन से आप सभी लोग गुजरे हैं, जो 2-3 क्वेश्चन अभी ऐसे हैं जो कि आंसर के आने के बाद आप सभी लोगों को पता चल जाएगा वो सही है कि नहीं है, तो उन सभी क्वेश्चन को आंकड़ा मिलाते हुए अगर हम लोग एक आप सभी लोगों का, मैंने आप सभी लोगों को डाटा भी बता दिया है, उसके बावजूद आप सभी लोग आंसर की का वेट कीजिए। जैसे ही आप सभी लोगों का आंसर की आएगा, आप सभी लोग कितने क्वेश्चन सही है ये भी आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।